क्लास थर्ड, टुडेज चैप्टर 11, दिल्ली, इन एसएसटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है. ये यमुना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है. क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, समर्स हेयर आर वेरी हॉट एंड ड्राई इन अप्रैल मई जून. गर्मी के मौसम में जब अप्रैल मई जून में हॉट एंड ड्राई होता है. डस्टी विंड कॉल्ड लू, जो लू होती है धूल के साथ हवाएं चलती हैं, ब्लोज अक्रॉस द सिटी, जो कि पूरे सिटी में ही सेम क्लाइमेट रहता है. दिल्ली डज नॉट गेट मच रेन, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है. इट गेट्स रेन मेनली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, यहाँ पर बारिश ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के मंथ में ही होती है. विंटर मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी आर क्वाइट कोल्ड, जो विंटर का मंथ्स होते हैं वो नवंबर से लेकर फरवरी, ये चार महीने ही ठंड रहती है. हिस्ट्री, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया. हमें पता है दिल्ली बहुत ब्यूटीफुल सिटी है इंडिया की, हमारे देश की. इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांडवास. पुराने ज़माने में क्या था, ये पांडवास की भी कैपिटल थी. एंड वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ, इसको हम लोग इंद्रप्रस्थ कहते थे. द ब्रिटिश बिल्ट न्यू दिल्ली, ब्रिटिश जो थे अंग्रेज, उन्होंने नई न्यू दिल्ली को बनाया था. इट वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन लुटियंस, ये पूरा जो कई तरह की बिल्डिंग हम अपने दिल्ली में देखते हैं, इसको सर एडविन लुटियंस ने ही प्लान किया था. दिल्ली बिकम अ यूनियन टेरिटरी इन 1956. ये यूनियन टेरिटरी 1956 में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी 1956 में बना. और इन 1991 इट बिकम अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1991 में बना. द रेलवे ब्रिज ओवर द यमुना रिवर, यमुना नियर द रेड फोर्ट, वॉज बिल्ट अबाउट 100 ईयर्स एगो. जो यमुना के पास रेड फोर्ट पर रेलवे ब्रिज बना हुआ है वो 100 साल पुराना है. इट वॉज द फर्स्ट ब्रिज बिल्ट ऑन फॉर ट्रेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में पहला ऐसा ब्रिज है जो ट्रेड के लिए बनाया गया था. मिनी इंडिया, एज वी ऑल नो, दिल्ली इज ऑफन कॉल्ड मिनी इंडिया बिकॉज ऑफ पीपल लिविंग हेयर फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. यहाँ दिल्ली में अपने इंडिया जो भारत देश है, यहाँ से विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ रहने आते हैं, तो इसको मिनी इंडिया भी कहते हैं. मोस्ट पीपल कम हेयर टू वर्क, ज़्यादातर लोग यहाँ पे काम की वजह से आते हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. एंड बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, और ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्मों को भी मानते हैं. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी. जो दिल्ली में बोली जाने वाली मेन भाषाएँ हैं वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी है. हिस्टोरिकल मूवमेंट, मैनी ईयर्स एगो सेवरल किंग्स आर मेड दिल्ली देयर कैपिटल. बहुत साल पहले बहुत से कुछ राजा थे जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल या राजधानी बनाया. द मुगल किंग शाहजहां लिव्ड इन रेड फोर्ट ओवर 300 ईयर्स एगो. जो मुगल किंग थे शाहजहां, इन्होंने रेड फोर्ट में रहते थे 300 साल से पहले, जिन्होंने ताजमहल को भी बनाया है. नाउ इट इज़ अ फेमस
हिस्टोरिकल मूवमेंट, अब ये एक फेमस हिस्टोरिकल मूवमेंट मॉन्यूमेंट है। दिल्ली इज फेमस फॉर मैनी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विच आर द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द शीशगंज गुरुद्वारा, द कुतुब मीनार एंड इंडिया गेट। जैसा कि हमें पता है दिल्ली में बहुत तरह के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, जिनके पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंडिया गेट है। द जंतर मंतर इज अ ओल्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जंतर मंतर है और ये ओल्ड ऑब्जर्वेटरी है, इसका मतलब है वेधशाला। यहाँ पर तारों और ग्रहों के बारे में स्टडी होती थी। द नेहरू प्लेनेटेरियम इज द प्लेनेटेरियम दैट शो मूवीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट्स। ये नेहरू प्लेनेटेरियम, जिसको हम लोग हिंदी में तारामंडल भी कहते हैं, तो इसमें बहुत तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसमें कि मूवमेंट होता है तारों का और ग्रहों का, मतलब इधर से उधर कैसे घूमते हैं, कैसे स्टार जाते हैं, किस तरह से प्लेनेट काम करते हैं, ये सब कुछ तारा इस तारामंडल में देखते हैं हम लोग मूवी के द्वारा। द त्रिमूर्ति भवन वॉज द रेजिडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर।